हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं रजनी एसएससी जीडी का क्लास लेकर आई हूँ। आज फिफ्थ क्लास है। जो भी इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। हम लोग बायोलॉजी का मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट टॉपिक है जैव विकास एंड सेकेंड है अनुवंशिकी, थर्ड है कंकाल तंत्र, फोर्थ है हृदय एंड फिफ्थ लास्ट है परिसंचरण तंत्र, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जैव विकास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ओके, इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका राइट आंसर अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसका राइट आंसर होगा। मैं इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन भी आप लोग को बताती हूँ। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। चार्ल्स डार्विन जो थे इंग्लैंड के थे, ये जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विन बाद प्रस्तुत किया। डार्विन बाद को प्राकृतिक वरण बाद भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। मेंडल को के रूप में जाना जाता है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है ये हम लोग को बताना है। मेंडल को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जेनेटिक्स के जनक। मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, जैव उद विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, लैमार्क आदि वैज्ञानिकों ने दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ओके, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुवांशिकी रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर आप लोग अगर आप लोग जानते होंगे तो कॉमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइसोग्राफ। इसके बारे में आप लोग कुछ बताते हो। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट भी कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्को का प्रत्यारोपण ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिलगित प्रोटीन की पहचान हेतु, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषण तकनीक क्या है? ओके, इसका राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा पश्चिमी शोषक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी शोषक। पश्चिमी शोषक कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण विशेषणात्मक तकनीक है। इसका उपयोग प्रायः किसी नमूने में उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके, दक्षिणी शोषक किसी नमूने में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के डीएनए का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? ओके, ध्यान से आप लोग देखिएगा, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा मध्यावस्था में, यानी ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होगा। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन कोशिका चक्र की मध्यावस्था में किया जा सकता है। गुणसूत्रों को गिनने के लिए सबसे अच्छी अवस्था है, इसमें सारे गुणसूत्र संघटित होकर इक्वेटर पर एक कतार में आ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ओके, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग हमको जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी 46। एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य की प्रत्येक द्विगुणी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समजात गुणसूत्र में जिनकी संख्या 22 जोड़े अर्थात 44 होती है, ये नर तथा मादा में समान होते हैं, तथा विषमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र के ये एक जोड़े होते हैं जो पुरुषों में एक्स तथा वाई व स्त्रियों में एक्स एक्स होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनक किससे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? ओके, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैव पुष्टिकरण तकनीक में पादप प्रजनन किसे दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी। मैं कुछ बताती हूँ, जैव पुष्टिकरण तकनीक में सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। इसमें पादप प्रजनक सूक्ष्म पोषकों और विटामिनों की कमी दूर करने के लिए प्रजनन तकनीक का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए एक बहुलक अणु है। ओके, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यह एक बहुलक अणु है। डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूर्ण रूप है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण में होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस के रूप में होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस के रूप में होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर एली, जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म विकल्पी। दो विरोधी या विकल्पी वंशगत लक्षणों के युग्म को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ये समजात गुण सूत्रों पर समान व निश्चित स्थान पर ही स्थित होते हैं। ये विरोधी गुणों को युग्म समान विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा जीन, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डीएनए के छोटे छोटे खंड जीन कहलाते हैं। प्रत्येक जीन सामान्यतः एक आनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण करता है। जीन ही आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिट दर्शाता है? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, हीटिंग। डीएनए को अधिक ताप पर गर्म करने से उसके दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं, जिसमें उनमें अधिक प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस प्रकार डीएनए हीटिंग पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। ओके, चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो है कंकाल तंत्र से,
इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशी इसका राइट आंसर होगा। कंकालीय पेशियों पेशीय उत्तक के उदाहरण है। पेशीय उत्तकों के अतिरिक्त वयस्क के अन्य सभी विविध प्रकार के मिसोडर्मी उत्तक संयोजी उत्तकों की श्रेणी में आते हैं, जैसे अस्थि, उपास्थि, रक्त आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ओके, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा टेंडन। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जबकि हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले उत्तक को लिगामेंट कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमल। दांतों के ऊपरी भाग में इनेमल नामक पदार्थ का आवरण होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक, यानी ऑप्शन ए। कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक संपूर्ण कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण करता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए होता है जिसके नियंत्रण में विभिन्न प्रकार की नियामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और यही प्रोटीन कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी हड्डियों में 27% शामिल ऐसा कौन सा रंगहीन खनिज है जो मानव शरीर को डिटॉक्सिंग में मदद करता है? ओके, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंधा नमक। आप लोग ध्यान से इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इसका राइट आंसर होगा सेंधा नमक। सेंधा नमक रक्त के समान पीएच को बनाए रखने में, मांसपेशीय गतिशीलता तथा मानव शरीर में डिटॉक्सिंग में मदद करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 54%। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का 54% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रुधिर का हल्के पीले रंग का और हल्का सा क्षारीय साफ पारदर्शक एवं निर्जीव आधारभूत तरल भाग होता है। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें लगभग 91% जल होता है। शेष 9% भाग में कई प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अतः जो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, ये राइट आंसर होगा 54%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हृदय से लिया गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका, यानी ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर होगा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ऐसी अंतर्गीय प्रतिक्रियाओं का बढ़ाता है जो ऊर्जा के व्यय के साथ संकट, तनाव, कष्ट, भय, क्रोध आदि प्रतिकूल दशाओं में शरीर को सुरक्षा के लिए तैयार करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। ओके, हृदय के संकुचन को भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टोल। हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं। ओके, हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं। हृदय के धड़कने के दौरान दो प्रकार की क्रियाएं नियमित रूप से चलती है, संकुचन तथा शिथिलन। संकुचन को सिस्टोल तथा शिथिलन को डायसिस्टोल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा थायरॉक्सिन। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसके उपापचयी प्रभाव के कारण आंत में पाचन उत्पादों का अवशोषण, हृदय स्पंदन की दर, कोशिकाओं में एंजाइमों एवं अन्य प्रोटीन का संश्लेषण, यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन से ग्लूकोज एवं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण बढ़ जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दवा है, ओके, उस दवा का नाम बताना है जो हृदय के कार्य को धीमे से करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो उस दवा का नाम क्या है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर एक दवा है जिन्हें बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं। इनका उपयोग बहुत सी स्थितियों के इलाज में होता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय की गति को धीमा करने इत्यादि में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिल के दौरे का कारण क्या होता है? ठीक है, तो दिल का दौरा पड़ने का शिकायत बहुत होता है। ओके, तो दिल के दौरा पड़ने का कारण क्या होता है? दिल का दौरा पड़ने का कारण होता है हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी, यानी ऑप्शन सी। दिल के दौरे अर्थात हृदयाघात में तंतु उत्तक से चकते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है तथा उसमें वाहिकाओं के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हृदय तथा रक्त आपूर्ति में कमी हो जाती है हृदय तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रिक अर्थात गुर्दे, ऑप्शन बी। स्तनधारियों में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी प्रमुख उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिसमें ब्रिक या गुर्दा भी कहते हैं, जिसे ये अंग उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के रूप में करते हैं। ओके, यकृत, आंत, त्वचा, फेफड़ा आदि कुछ अन्य अंग भी उत्सर्जन में सहायता करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ओके, क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। शरीर के सारे भागों में जाने वाले शुद्ध रुधिर को हृदय एक ही मोटी महाधमनी से में पंप करता है, जिन्हें दैहिक चाप या महाधमनी चाप या केवल महाधमनी कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त, ओके, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा महाधमनी। ऑक्सीजन युक्त रक्त महाधमनी के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाहर बहता है। शरीर के सभी ऊतकों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचार करने का कार्य करती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? ओके, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी या एओर्टा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका महाधमनी या एओर्टा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एओर्टा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। लाल रुधिराणुओं की कोशिका कला में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर
लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में रक्त समूह की खोज की तथा उसे चार श्रेणियों में बांटा, जिसे ए बी या ओ नाम दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह में क्या नहीं रहते हैं या रहते हैं यह बताना है। तो ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते, गलत। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ए बी रक्त समूह में दोनों प्रतिजन एंटीजन ए तथा बी उपस्थित रहते हैं। इस समूह में दोनों प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये व्यक्ति सभी वर्गों में व्यक्तियों का रुधिर ले सकते हैं, अतः ये सर्वग्राही होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। ओके, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। इसका राइट आंसर होगा संक्रमण से संघर्ष करना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा। श्वेत रक्त कणों को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना। ये प्राय रक्त से उत्तक द्रव्य में जाकर रोगाणुओं एवं प्रतिविष पदार्थों को नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। ऑक्सीजन ले जाने का कार्य लाल रक्त कोशिकाएं करती है। ओके, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करती है, लाल रक्त कोशिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है। ओके, रक्त का रंग लाल होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है ये हम लोग को बताना है। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, यानी ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन को श्वसन रंग भी कहा जाता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग पदार्थ से जुड़ा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़कर उसके संवहन में मदद करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसका राइट आंसर होगा एनीमिया, ऑप्शन सी। एनीमिया एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। थकान, त्वचा का पीलापन, श्वास में कठिनाई, सिर घूमना या चक्कर आना आदि इसके समान लक्षण है। इसके उपचार हेतु आयरन या फॉलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। इसके उपचार हेतु आयरन या फॉलिक एसिड की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है। ओके, हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का प्राथमिक कार्य है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी ऑप्शन डी। ओके, हीमोग्लोबिन मनुष्य तथा अन्य कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाने वाला एक वर्णक है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का वहन करना है। हालांकि इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ओके, इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है। हीमोग्लोबिन की निम्न में से किसके साथ उच्चतम समानता है, इसका ऑप्शन होगा सीओ। हीमोग्लोबिन की सीओ से जुड़ने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। यही कारण है कि बंद स्थान में लकड़ी या कोयला जलाने पर उसमें से सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी मात्रा भी मृत्यु का कारण बन सकती है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है।
इसका राइट आंसर होगा पॉलीसाइथीमिया, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर होगा रक्त में लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त बहता है, जल्दी थक्का नहीं जमता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। ओके, आप लोग आपको इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सर्वदाता जो होता है वो होता है, यानी ऑप्शन डी जो होता है होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। वो जो होता है सर्वदाता होता है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्तोपति कहाँ होती है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा। हम लोग का राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। रक्तोपति की क्रिया अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा में अनेक बसा कोशिकाएं तंत्रिकाएं तथा रुधिर वाहिनियां होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए ओके जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रक्त प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स जो होता है इसका राइट आंसर होगा। चोट लगने पर क्षतिग्रस्त रक्त को सिकों में निकली रक्त प्लेटलेट्स से प्रोथ्रोम्बिन का स्राव होता है जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, इसका राइट आंसर होगा खून का जमना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोथ्रोम्बिन चोट लगने पर रुधिर थक्के के जमने के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन, इंसुलिन जो है हार्मोन, इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को पतला करने के लिए ओके रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वारफरिन। वारफरिन जो है रुधिर को पतला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, वारफरिन एक दवा है जिसका उपयोग रुधिर को पतला करने में होता है। यह धमनियों व सिरों में रुधिर के थक्के को हटाता है तथा स्ट्रोक व हृदयाघात के खतरे को कम करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हम लोग का राइट आंसर होगा। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले होने से रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे अनपेक्षित आघात की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति का होना जीवन के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से बर्नक प्रोटीन यानी क्रोमो प्रोटीन कौन सा है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, क्रोमो प्रोटीन यानी बर्नक प्रोटीन है। एक बर्नक प्रोटीन एक संयुगी प्रोटीन है जिसमें एक रंगीन कृत्रिम समूह अथवा कोफैक्टर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिक विज्ञान। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्फिग्मो अस्फिग्मो मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है। ओके, अस्फिग्मो मैनोमीटर जो है किसमें रक्त दाब को मापता है, तो इसका राइट आंसर होगा धमनियों, ऑप्शन बी। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को परकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्यता मनुष्य की धमनियों पर कूचन दाब 120 मिली एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिली एचजी होता है। इसे स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है। ओके, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है, पहले को परकुचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है। ये हम लोग पीछे मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर यानी ऑप्शन बी जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।